हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एंड वर्कशीट नंबर 27 इन दिस वर्कशीट फॉर 10th of September 2021। सो आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम। इससे पहले हमने पढ़ा था थेल्स थ्योरम, ठीक है, जिसको बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो थ्योरम है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आपको इसे अच्छे से जो है ना रिवाइज करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बोथ टू साइड, यानी स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस जो है ना, ठीक है, साइड बराबर किसके हो गए, दोनों के सम ऑफ द अदर टू साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये राइट है, यानी ये इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको देखना ये है, जो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बी है, ठीक है, टू प्रूव ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है, ठीक है। तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बी डी मीटिंग सी ए सी, यानी बी और डी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, और जो ए और सी पर क्या कर रहा, मीट कर रहा है, राइट एट डी डी पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है। प्रूफ है ट्रायंगल ए डी बी, यानी ट्रायंगल जो है ना इसमें डियर स्टूडेंट, ट्रायंगल ए और ट्रायंगल डी और ट्रायंगल बी की बात करते हैं, और ट्रायंगल हमारा जो ए बी सी यानी ए और बी और ए सी कंप्लीट की बात करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल बी ए डी जो हो जाएगा सी ए बी के कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यानी बी ए और डी जो हो जाएगा सी ए और बी के कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यानी ए डी बी इक्वल टू कितना, ए बी सी, यानी बोथ 90 डिग्री, ठीक है। तो ट्रायंगल ए डी बी जो पैरेलल किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, तो ए ए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से है, ठीक है, ए ए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यानी एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल से है। तो इस प्रकार कह सकते ए बी अपॉन में ए सी, यानी ये ए बी अपॉन में ए सी हो जाएगा, ठीक है, और आपको ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है, उसके बाद ए डी अपॉन में ए बी, यानी ए डी अपॉन में ए बी, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल से है। इसके बाद आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, इसी को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए सी हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, और ट्रायंगल बी डी सी में क्या है, सिमिलरिटी है ट्रायंगल ए बी सी का, ए ए सिमिलरिटी ट्रायंगल से, तो बी सी अपॉन में ए सी इक्वल टू सी डी अपॉन में बी सी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल से, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू ए सी, तो ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ए डी प्लस सी डी से, तो ए डी प्लस सी डी इक्वल टू ए सी फ्रॉम द फिगर से होगा, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये प्रूफ हो जाएगा। अब हम इसी में देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट है, और पाइथागोरस का डियर स्टूडेंट ये जो कन्वर्स भी होता है, कन्वर्स पाइथागोरस थ्योरम, यानी इफ द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द इट्स टू शॉर्टेस्ट साइड्स देन द ट्रायंगल राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें आप देखिए डियर स्टूडेंट, जो फाइंड द साइड एंड द परपेंडिकुलर ऑफ द स्क्वायर हुज द डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, यानी फाइंड द साइड एंड परपेंडिकुलर ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, यानी जिसका डायगोनल 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी बन सकता है और यहाँ पे भी बन सकता है। तो जब हम यहाँ से डायगोनल कर दिए हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल ये हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ये हो जाएगा। तो गिवन डेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी इक्वल टू बी सी और सी डी इक्वल टू डी ए हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल ए बी डी, ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू 10, अगर ये 10 दे हुआ है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 ए स्क्वायर हो जाएगा,
ठीक है, यानी सेम है, सिमिलर है, तो 2 हो जाएगा ये इस तरह का, इतना इधर भी है और इधर भी है, तो 2a² इक्वल टू, या a² कितना हो जाएगा 2a² और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो a² इक्वल टू कितना, a² इक्वल टू हो जाएगा 50, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, ड्यूरेशन 5√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नाउ द पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड होता है, तो 4 × 5√2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है हमारा, जो कि बेहद ही आसान है। इन द गिवन फिगर्स ट्रेंगल ए सी बी 90 डिग्री है, ए और सी और बी, यानी इसमें जो है ना ए सी बी जो है ना क्या है 90 डिग्री है, एंड द सी डी पर क्या है नॉर्मल, यानी सी डी पर लंब है। ठीक है, तो ए बी प्रूफ डैट द बी सी स्क्वायर, यानी ये बी सी आपको प्रूफ करना, ये बी सी स्क्वायर ठीक है अपॉन में ए सी स्क्वायर ठीक है इक्वल टू बी डी, यानी बी और डी हो जाएगा, और ये आपका ए और डी हो जाएगा, यानी इन दोनों को क्या, इन दोनों को ये प्रूफ करना इसके इक्वल टू। ठीक है, अब ये इक्वल टू में करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेंगल ए सी डी में तो सिमिलर ट्रेंगल है किसका, ए बी सी का। ठीक है, ए ए सिमिलरिटी रूल से हो जाएगा, तो ए सी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए डी अपॉन में ए सी, और ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और ऑल्सो ट्रेंगल बी सी डी वो पैरेलल हो, यानी कि वो सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल बी ए सी बाय ए ए सिमिलरिटी रूल से, सो द बी सी अपॉन में ए बी ए इक्वल टू बी डी अपॉन में बी सी, और बी सी स्क्वायर इक्वल टू बी ए इंटू बी डी, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद बी डी अपॉन में ए डी हो जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बेहद ही आसान है, ए फुट ऑफ द 30 मीटर लॉन्ग लैडर लैनिंग अगेंस्ट वर्टिकल वॉल्स, ठीक है, वर्टिकल वॉल्स इंच 12 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑन द वॉल वेयर द टॉप ऑफ द लैडर रीचेज, टॉप ऑफ द लैडर, देखिए इस तरह से एक वॉल है, ठीक है, ठीक है, आपको ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी ए फुट इतना मीटर लॉन्ग लैडर है, लॉन्ग लैडर है, ठीक है, और 12 मीटर वॉल है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये रहा आपका, इस तरह का आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बी है हमारा, ये जो है ना डियर स्टूडेंट पी, यानी परपेंडिकुलर हमारा 12 मीटर है और हाइपोटेनियस हमारा 13 मीटर है, तो हमें ये बेस निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, बेस, तो बी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, बी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आपका जो है ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा जो, यहाँ पे आपका हो जाएगा जो है ना एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये शॉर्टकट फार्मूला है। ठीक है, लेकिन आपको इस तरह से जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर 13 का स्क्वायर और बी सी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हम बी सी स्क्वायर इक्वल टू हम इसको कर सकते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल टू हम जब करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा, तो 13 + 20 = 12 और 13 - 12 तो ये 25 हो जाएगा टोटल जब आप करेंगे तो। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी करके, ठीक है, तो ये बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 25, तो बी सी इक्वल टू 25, तो अंडर रूट यानी, और ये बी सी इक्वल टू 5 हो जाएगा, अंडर रूट यानी 25 का वो क्या बड यानी ये स्क्वायर रूट आता है। ठीक है, तो ये आपका पहला का आंसर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे जो कि बेहद ही आसान है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द साइड इज 8 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल स्क्वायर का जो है ना फाइंड करना, उसका साइड हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यानी ये है देखिए, ये 8 सेंटीमीटर तो है ही, इसका हमें डायगोनल फाइंड करना है। ठीक है, इसका क्या करना है, डायगोनल फाइंड करना है, तो आइए मैं इसे देखते हैं। ये देखिए, ये रहा डायगोनल, हमने बना दिया इस तरह का, आप भी बनाइए अच्छे से। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है,
ये सब एट ही होगा क्योंकि स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। और ये डायगोनल हमें निकालना है, ठीक है, डायगोनल ए सी निकालना है, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर की क्या होता है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 128 हो जाएगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 128, तो ए सी जो है ना इसमें से स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा 128। तो ए सी इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2 into 2, 2 into 2, 2 into 2, 2, ठीक है। तो यानी ये जो है ना बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये भी बाहर निकल जाएगा, ये रहेगा। तो देखिए 2 2 4 2 8 हो जाएगा, अंडर रूट 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू 8√2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो ये जो हमारा डायगोनल निकल के आया 8√2 हमारा ये आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ए बी सी इज ए आइसोलेस ट्रायंगल्स राइट एंगल एट द सी, प्रूव डेट ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। तो देखिए यहाँ पे आपको फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। यहाँ पे आपका सी बिंदु है, ठीक है। तो देखिए गिवन डेट ए सी इक्वल टू सी बी, यानी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। यानी हमें यहाँ देखना है डियर स्टूडेंट ये दोनों इक्वल है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है, ए सी बी, यानी ए सी बी में जो है ना ए बी स्क्वायर यानी ए और बी स्क्वायर इक्वल टू सी बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी इन दोनों को हमें प्रूफ करना है जो ये इक्वल है, ठीक है। तो आपको देखना है डियर स्टूडेंट ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर यानी ये जो है ना हम क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2ac स्क्वायर हो गया ए बी स्क्वायर। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। डियर स्टूडेंट आप मुझे सपोर्ट कर सकते इस वीडियो को लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपडेट करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।